हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, अगर आप बीएड करना चाहते हैं और आप अगर आप चाहते हो कि मेरी जो बीएड हो वो ओपन से भी हो जाए और कहीं ना कहीं मुझे क्लासेस कम अटेंड करनी पड़े, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। फाइनली इग्नू के अंदर जो बीएड के फॉर्म है, जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये जो बीएड होता है ये आपकी टीचिंग का एक कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो इग्नू के अंदर जो बीएड का जो कोर्स है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। बीएड के जो एडमिशन है वो इग्नू के अंदर शुरू हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो देखिए, इग्नू ने फाइनली नोटिस जारी कर दिया है और ये बता दिया है कि बीएड के लिए जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। और बीएड के लिए बेसिकली देखिए, इन्होंने नोटिस में बोल रखा है कि एंट्रेंस आपका हो कराया जाएगा जो कि 7 जनवरी को ऑल ओवर कंट्री में हेल्ड होगा। मतलब पूरी कंट्री में, जो इंडिया की पूरी कंट्री में एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका होगा जनवरी 2024 में। मतलब जो बीएड में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, एंट्रेंस बेस पे इसमें एडमिशन होता है, क्योंकि इसकी सीट्स लिमिटेड है, प्रोफेशनल कोर्स है तो सीट लिमिटेड इसमें रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपका जो एलिजिबिलिटी रहेगा, 50% से आपका बैचलर डिग्री यानी डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, बैचलर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ठीक है, किसी में भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो चाहिए, या तो बैचलर हो यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या मास्टर हो, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और बताइए, एंड द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू स्टूडेंट ऑफ बीएड ओडीएल। अब देखिए, जो भी ओडीएल वाले स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग से बीएड करना चाहते हो, उसके लिए कौन कौन सा और एलिजिबल रहेगा? एक रहेगा ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप ट्रेंड और सर्विस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। कैंडिडेट्स हु हैव कम्प्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रो फेस टू फेस मोड, ठीक है। तो यानी कुल मिला के एक तो आपका डिग्री भी होना चाहिए, प्लस आपकी ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, एंड लगा रखा है, यानी दोनों साथ में होने चाहिए। द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन 50% आपका 5% मार्क्स रहेगा मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड एससी एसटी ओबीसी के लिए, जो घर बार की तरह रहता है। द रिजर्वेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स वॉर विडो कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी रूल। एज की बात की जाए तो दो नो एज बार, मतलब कोई भी एज बार नहीं है, आप भी कर सकते हो। और आप कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसकी उम्र चाहे 50 साल हो, 60 साल हो, चाहे 18 से ऊपर हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। बस यही इसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बीएड जो भी है वो होगा पूरी तरीके से मेरिट बेस होगा। मेरिट बेस जो होगा वो नोडल रीजनल सेंटर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगा, मतलब मेरिट वाइज होगा। जब आप एंट्रेंस दोगे उसकी मेरिट बनेगी। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो www.ignu की वेबसाइट पे आपको सबमिट करना है। 12 दिसंबर से इसके फॉर्म आ चुके हैं। सीट्स एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाएगा। और इसकी जो फीस जाएगी एग्जामिनेशन की, 1000 रुपये जाएगी इसकी फ़ीस, जिससे आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से पे कर सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी जरा देख लेते हैं। तो फॉर्म 12 दिसंबर से आ चुका है, लास्ट डेट जो रहेगा 31 दिसंबर तक आप फॉर्म या रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एग्जामिनेशन जो डेट होगा एंट्रेंस वो 7 जनवरी को होगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें और चीज़ इन्होंने मेंशन कर दी, यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप एग्जामिन सेंटर में नहीं ले जा सकते, जो कि इन्होंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैसे आपको अप्लाई करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं बीएड के लिए इन्होंने अलग से पोर्टल अपना बना रखा है। तो जैसे आप इस पोर्टल पे आ जाओगे, पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप बाकी आप यहाँ देख सकते हो, ignu.bied.summer.ud.in, ठीक है। तो इसका जो पोर्टल है पिंक है, तो आपको इस पोर्टल पे आ जाना है और कुछ डिटेल पढ़ लेना। हम इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, देन जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके पास होने चाहिए, जैसे आपका 10th का मार्कशीट, उसी में से आपका डिटेल फिल किया जाएगा, आपका नाम, एज वगैरह, ठीक है। और फिर आपका रजिस्टर ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए और एक आपकी एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, यानी ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। और एड्रेस जो भी आप दे रहे हो फंक्शनल होना चाहिए। एप्लीकेशन आर इंस्टॉल्ड लेटेस्ट वर्जन गूगल क्रोम, ये भी फॉर्म जो भर रहे हैं आप गूगल क्रोम, आपको गूगल क्रोम यूज से फिल करना है, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, अपना DOB डालोगे,
अपना ईमेल डालोगे, अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, री एंटर करोगे, पासवर्ड बनाओगे, मोबाइल नंबर डालोगे, री एंटर करोगे और रजिस्टर करोगे। रजिस्टर ऐसे करोगे, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे ही डालोगे फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा देन फिर उसके बाद आपको इसे लॉगिन करना है। मैं दिखाता हूँ लॉगिन कहाँ से होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे कर दोगे देन उसके बाद फिर आपका लॉगिन होगा, इस लॉगिन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जो भी आपने, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो भी आपने रजिस्टर ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा डालोगे, फिर एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल वगैरह डालनी है, ठीक है, नाम वगैरह, आपके एज वेज, पूरा फॉर्म भरने के बाद देन फिर आपको पेमेंट करना है, फिर आपको उसका प्रिंटआउट निकला के रख लेना और फिर 7 जनवरी का वेट करना है। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बिग अपडेट ये, इग्नू बीएड एडमिशन 2024 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू।